गुड मॉर्निंग क्लास आज हम इक्वेल रेजिस्टेंस देखने वाले हैं यूनिट वन से वन वन टॉपिक हम कवर करेंगे देखिए इक्वल रेजिस्टेंस क्या होता है टू सॉल्व एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैविंग मेनी रेजिस्टेंस द मैथड ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इज यूज इक्वल एंड रजिस्टेंस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस विच वी गेट आउट बाई ए सीम्पलीफाइंग सर्किट टू सॉल्व इक्वल एंड रजिस्टेंस वी हैव टू यूज 3 formulas or 3 methods, series parallel or star delta. अच्छा ये तो डिस्क्रिप्शन या उसका हो रहा अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप स्पेसिफिकली ये लिखेंगे और एक एग्जाम्पल दे, दे देंगे कि इक्वल एट होता क्या है सिंपल और साधारण भाषा में इक्वल रेजिस्टेंस होता क्या है जब आपके सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस गिवन होते हैं तो उनको जब हम सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं उससे क्या होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किस में चेंज हो जाता है सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जो फाइनल हमारा रेजिस्टेंस आता है उसको हम इक्वेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं चलिए कुछ एग्जाम्पल पहला क्या है? फाइंड द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट ऑल्सो द करेंट इसमें देखिए हमको जो गिवन है एक फाइव वोल्ट सप्लाई गिवन है और तीन रेजिस्टेंस गिवन है आपको मैं बता चुकी हूं कि किसी भी रेजिस्टेंस को वो पैरेलल में है या वो सीरीज में है हम कैसे वो करते हैं कैसे हमको पता चलता है अगर सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रही है तो क्या होता है आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होता है अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रही है तो आपका रेजिस्टेंस किस में होता है पैरेलल में होता है ये आपका वोल्टेज सोर्स है यहां से करंट निकल रहा है ये देखिए इधर एक जाएगा क्योंकि तीन रस्ते गिवन है फ्लो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंट तो देखिए करें, तो फ्लो हो रहा है यहां से फ्लो हुआ उसके पास तीन रस्ते हैं तो ऑब्वियसली तीन जगह जाएगा वन टू एंड थ्री मतलब ये तीनों किस में आ गए ये तीनों रेजिस्टेंस पैरल में आ गए रीजन क्या है क्योंकि इनसे क्या होता है जो करंट की वैल्यू है इन तीनों में डिफरेंट है इसलिए ये क्या हो गए तीनों रेजिस्टेंस जो हो गए पैरेलल में आ गए कुछ नहीं हम फॉर्म लगाएंगे हमको पता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मुला क्या होता है वन अपॉन आरपी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री ये करने के बाद आपको आरपी की वैल्यू कितनी मिली टू बाई थ्री आपको आरपी की वैल्यू मिल रही है टू बाई थ्री फाइन टू बाई थ्री मिल रही है आपको इस क्वेश्चन में करंट भी निकालना था तो टू बाई थ्री मिल रही है मतलब आपका पूरा तीनों रेजिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एक रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू कितनी है टू बाई थ्री आपको करेंट निकालना है तो बाई लॉ वी इक्वल टू आई आर करेंगे तो फाइव डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी करेंट की वैल्यू मिल जाएगी फिफ्टीन बाई टू या सेवन पॉइंट फाइव चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट इसमें देखिए आपको ना सोर्स गिवन है या कुछ भी कुछ भी नहीं गिवन है सिर्फ आपको क्या गिवन है आपको चार रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है तो इसमें क्या करते हैं हम जब हमको कुछ गिवन नहीं तो हम उसको एस्टिमेट करते हैं मान लीजिए यहां पर अगर हम सोर्स लगाते हैं ठीक ये अजम्पन है मैथ्स टेक्निकल प्रॉब्लम से हमको कुछ एजेंशन लेने पड़ते तो हम एज्यूम करते मान लीजिए यहां पर अगर हम सोर्स लगाते हैं सोर्स लगाने के बाद करंट जो फ्लो होगा वो यहां से फ्लो होगा टू फाइन फिर जैसे ही हम आगे जाते हैं हम क्या देखते हैं उसको दो रस्ते मिल रहे हैं ये चीज को हमेशा याद रखिएगा करंट क्या है फ्लो है तो अगर फ्लो को हम कंपेयर करें कि जैसे पानी का वो होता है पानी फ्लो हो रहा है जब तक उसको सीधा रास्ता मिलेगा तो वो सीधा फ्लो होगा उसको दो रास्ता मिलेगा तो वो दोनों रास्ते में बट जाएगा तो वैसे ही यहां पर क्या होगा यहां तक तो करंट सेम आ रहा है लेकिन इन दोनों में क्या हो जा रहा है वो बट जा रहा है मतलब ये दोनों क्या होंगे ये दोनों आपके पैलर रेजिस्टेंस होंगे क्या होंगे पैलर रेजिस्टेंस तो आप सॉल्व करोगे आपको पता है पैलर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वन अपॉन आरपी इज इक्वल टू वन अपॉन आरपी वन प्लस वन अपन आरपी टू वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू करके आप सोल्व कर लेंगे इसको कितना आ रहा है आपका आप देख लिए आपका जो आ रहा है वो आ रहा है फोर बाय थ्री कितना आ रहा है फोर बाय थ्री ये फोर बाय थ्री क्या है ये है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को फॉर्मूला में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आ रही है आरपी की वैल्यू फोर बाय थ्री अब देखिए आपका क्या बोलते हैं जो सर्किटरी है जो ऊपर इस तरह का था वो किसमें कन्वर्ट हो गया वो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा टू जो पहले से लगा हुआ है वही हमारा टू बाय फोर जो हमने पैरेलल सॉल्व किया यहाँ आ गया फोर ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ वही अगर हम सर उसमें सोर्स को एस्टिमेट करें तो देखिए अब देखिए इन तीनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि कहीं पर भी अलग से पाथ नहीं गिवन है इन तीनों सेम करंट फ्लो हो रहा है और हमको पता है कि अगर सेम करंट फ्लो होता है तो सारे रेजिस्टेंस किस में होते हैं सीरीज में होते हैं और सीरीज में हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली समप कर देते हैं तो क्या करेंगे हम टू प्लस आरपी आरपी मतलब जो इन दोनों को सॉल्व करके पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है आरपी प्लस फोर करेंगे हम तो हमको सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी हमको फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी चलिए थैंक यू